हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। दो तीन दिन हो गए समथिंग, तो मैंने व्लॉग शूट किया नहीं था दोस्तों। अब मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा मूड में भी हूँ और कल मैं रात में एडिटिंग सीख रहा था, तो मुझे पता लगा कि केन मास्टर से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने चाहा कि मैं आज ये व्लॉग शूट करूँ और उसे एडिट करके सुबह आपको दिखाऊँ। तो दोस्तों आज मैं आपको ज़्यादा खूबसूरत जगह तो नहीं दिखाऊँगा, पर छोटे छोटे गाँव और एक मतलब खेत वगैरह और अच्छे अच्छे दरख्त वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। और ट्रैवल ही समझो, ये दोस्त के यहाँ जा रहे हैं ना, तो ट्रैवल ही है ये, तो बने रहिए हमारे इसी ब्लॉग में। तो ये दोस्तों पुराना पुल पे हम आ चुके हैं, जो कि नवाबगंज में ये जो पुराना पुल है ये एक नदी है। देखो आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में, ये जो पुल है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, ये पुल जो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। और इसको समथिंग 100 साल से ज़्यादा इस पुल को हो गई है, ना तो इसके अंदर नीचे कोई सुतून है, आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं, ना तो इस वीडियो में कोई सुतून है रोकने की जगह, फिर भी ये पुल 100 साल से ऐसे ही है। और इसके नीचे एक नदी है, जब इसमें बाढ़ आई थी आज से कुछ समय पहले, बरसात हुई थी, ये नदी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर इसके पुल तक ऊपर पानी आ जाता है, ऐसा आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। अभी तो पानी थोड़ा सा कम है। हम मछली मार्केट के पास में जो पुल है, जैसे रामलीला ग्राउंड भी यहाँ पर लगता है, मेहनत करता हूँ यार, सपोर्ट करो भाई यार। अभी तो ये चेहरा नया है, आपके लिए पुराना हो ही जाएगा, और आप जहाँ कहेंगे वहाँ के अच्छे अच्छे ब्लॉग भी मैं बनाऊँगा। और अभी थोड़ा वक्त भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। तो दोस्तों अब पुल से हम यहाँ से निकलते हैं और अब आगे चलते हैं बरखनवारी रोड पर। दोस्तों यार अभी हमने आपको एक नदी दिखाई थी जो कि आपने भी देखा था, और हम नवाबगंज से अब इस टाइम बरखन वाले रोड से आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों यार हमारी वीडियो सपोर्ट करो। आप इस मेरी वीडियो में पीछे देखते होंगे कलर चेंज होते होंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे क्योंकि मैं कल शाम में 10 बजे के आसपास में इस चीज़ को सोच भी रहा था और मैं केन मास्टर चला रहा था, तो मुझे पता लगा था कि केन मास्टर से कलर भी चेंज पीछे होते हैं, तो मैं जानता नहीं था क्योंकि आपने मेरी पहली वीडियोज़ देखी होंगी तो उसमें बहुत कम कलर मैंने चेंज किए हैं, बदले हैं, क्योंकि उसमें मैं नज़र नहीं आता था। तो कल मुझे इस चीज़ के बारे में पता लगा था, तो वहाँ मेरे पीछे इस कलर को चेंज होते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपकी इस वीडियो के लिए, तो यार हमें यार सपोर्ट करो भाई यार। हालाँकि चेहरा नया है तो क्या हुआ, आने वाले वक्त में पुराना भी हो जाएगा, तो अच्छा लगता है यार। दो दिन से वीडियो नहीं डाली थी, बुखार भी था और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया क्योंकि मैंने जब इस बारे में मालूम किया कि वीडियो में कलर भी चेंज हो जाते हैं, तो दोस्तों यार सपोर्ट करते रहो भाई को यार, यार बहुत कम व्यूज़ आते हैं यार, दिल बड़ा दुख रहा है बिल्कुल कहते ये। तो अब मैं आपको ज़रा पीछे का और बैकग्राउंड दिखाऊँ, जिस जगह हम यहाँ पर हैं तो आप मेरे इस पीछे देख सकते हैं इस तरह से, ये तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर, यानी कि ये रेत वगैरह है, मैं आपको ज़रा पीछे दिखाऊँ। अब तुम तो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से, ये मतलब ये नदी के पास में मैं खड़ा हुआ हूँ और ये बहुत बड़ी ये नदी है। मैंने आपको एक नदी अभी और दिखाई थी जो कि नवाबगंज की थी, जो पुराना पुल था जो अंग्रेज़ों ने अपने हाथों से बनाया था। अब मैं ये दूसरी आपको नदी दिखा रहा हूँ जो कि बरखन वाले रोड पर पड़ती है, जब हम करुआ जाते हैं या बरखेड़ा जाते हैं, बीसलपुर जाते हैं, तो इस रोड पर ये पड़ती है। तो मुझे तो काफ़ी फ़िलहाल अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा उम्मीद होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो दोस्तों कभी ये मत समझो यार वीडियो यार नहीं आ पाती है, तो आएगी, ज़रूर आएगी, लगातार आएगी, थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो थोड़ा मन सा उखड़ रहा है, ऐसा लगता है कि वीडियो अपलोड ना करूँ, पर क्या करूँ, मैं सोचता हूँ अपनी ऑडियंस को वीडियो दूँ। तो दोस्तों यार सपोर्ट करो यार, तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और जब तक आपकी सपोर्ट नहीं होगी मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, खुद सोचो, अंदाज़ा लगाओ चीज़ का। भाइयों यार तो मेरी एक यूट्यूब फैमिली हो, तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें मुझे, मैं उनके माध्यम से कुछ करूँ या मैं उनके लिए कुछ करूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको ज़रा करीब का दिखाता हूँ थोड़ा शानदार व्यू।
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यार शेयर करें, क्योंकि जब आप हमें शेयर करते हैं तो हम ज्यादा मोटिवेट होते हैं और हम चाहते हैं कि आपको नए से नए अपडेट दें, नए से नए ब्लॉग दें। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये लोकेशन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। तो चलते हैं अब, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है।